4 साल हो गए कॉर्पोरेशन में, एक पैसे का काम गुलबर्गे के अंदर नहीं हुआ है। कई दलाल है वहां पे बैठे, जो कॉन्ट्रेक्टर बैठे गुलबर्गे के कॉर्पोरेटर्स, क्या है महानगर पालिके में उनका एक कॉन्ट्रेक्टर चल रहा है। 20-22 कॉर्पोरेटर अगर नाराज है, वो नाराजगी किस वजह है, वो नाराजगी को दूर करिए, लोगों के सामने इंसाफ लाइए, आवाम के सामने क्यों हमारे कॉर्पोरेटर किससे नाराज है बोल के आपको फैसला लेना है। डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑफिसरों का डेवलपमेंट होता है। ऑफिसरों के जोबा बढ़ते, ऑफिसरों के घर बनते, ऑफिसरों के प्रॉपर्टियां बढ़ते, जीबी मीटिंग में कोई गुलबर्गी का आवाम का डेवलप होने वाला नहीं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक। 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन गुलबर्गे के आवाम के लिए, तमाम हमारे सोशल मीडिया के भाइयों के लिए, आज जसरा फेस्टिवल जो है, मैं तमाम गुलबर्गे के आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज माता देवी से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि हमारे गुलबर्गे के आवाम हर तकलीफ़ से उनको शिफा मिले बोल के मैं भी माता के सामने प्रार्थना करता हूँ। आज पूरे सोशल मीडिया के पूरे भाइयों के साथ आज जसरा फेस्टिवल आज विश करने के लिए उनके साथ मैं जुड़ के आज उनके साथ में बैठा हूँ। आज साथ ही साथ जो है एक गुलबर्गा महानगर पालिके का जो हाल ही में जो मेरा एक स्टेटमेंट था, 19 तारीख को जीबी मीटिंग बुलाया गया था गुलबर्गे के सिटी कॉरपोरेशन के अंदर। आज वो जीबी मीटिंग के मसले के खिलाफ आज थोड़ा मैं आप लोगों के बीच कई बातें बात करने के लिए आपके बीच मैं आया हूँ। आज जो जीबी मीटिंग में जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स जो एब्सेंट हुए थे, उसके बाद में भी जो 34 एजेंटस जो जेबी मीटिंग में रखा गया था, मैं सोचता हूँ 4 साल के बाद में ये जेबी बॉडी मीटिंग हुआ है और इस बार जो 34 एजेंटस जो रखे हैं, मैं सोचता हूँ लगभग ये इतिहास में ये एजेंडेस हाईएस्ट एजेंडा इस बार जेबी मीटिंग में रखा गया था। कैसा हाईएस्ट हो सकता है सर, क्योंकि बीजेपी कलबुर्गी महानगर पालिके में रूलिंग में है, उसमें रूलिंग में जब पार्टी रहती है तो जितने कॉर्पोरेटर्स रहेंगे ऑलमोस्ट कॉर्पोरेटर के एजेंडे वहां पे रखे जाएंगे। सिर्फ 2 कॉर्पोरेटर के एजेंडे वहां पे रखा गया है। पहला है डेप्यूटी मेयर शिवानंद पिस्ती और दूसरा है विजय कुमार सेवलानी, ये 2 के ही एजेंडे रखे गए हैं मीटिंग में, क्योंकि बीजेपी रूलिंग में है। ओके, मिनिमम बताया ये भी जा रहा है कि 20 से 25 कांग्रेस के कॉर्पोरेटर के एजेंडे हैं, तो इस पे क्या कहना है आपका? देखो, बीजेपी रूलिंग में है मैं उसको मानता हूँ। आज मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के हैं और गुलबर्गा कॉर्पोरेशन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी जो है, 4 चेयरमैन जो होते गुलबर्गे कॉर्पोरेशन के लिमिट्स में, वो चेयरमैन 2 कांग्रेस और 2 चेयरमैन जेडीएस के हैं। हम लोगों का कांग्रेस के साथ में जो कंडीशंस के हिसाब से, जो गठबंधन के हिसाब से 4 चेयरमैन 2 कांग्रेस 2 जेडीएस वाले, हम मिल बांट के आज चेयरमैन हमारे भी 2 है, कांग्रेस के भी 2 चेयरमैन हैं। वो एक चेयरमैन बनना है तो 7 लोगों का वोटिंग पावर चाहिए, उसको एक कमेटी बनता है एक चेयरमैन के लिए। जब ये कमेटी बनता है, कमेटी के अंदर जो मेंबर्स रहते हैं, ये लोग एजेंडा के लिए मेयर को, कमिश्नर को डिमांड कर सकते कि एजेंडा आप रखो बोल के। तो कमेटी के इसमें 7 जो कमेटी के जो मेंबर होते हैं, वो मेंबर में 4 कांग्रेस के 3 बीजेपी के, ऐसा मिलजुल के वो कमेटी बनता है। तो कमेटी के जितने भी लोग मिलजुल के करें, 34 एजेंडा जो दिए हैं ये कमेटी के अंदर, और वो एजेंडा जो बनता है उसके ऊपर एक कमेटी बनता है कॉर्पोरेशन के लिमिट में, ये एजेंडेस को हम लेना क्या नहीं लेना बोल के, उसके ऊपर भी एक कमेटी बिठा के वो कमेटी में
वो एजेंट आगे मूव करने के लिए जीबी मीटिंग में वो अप्रूवल होता है। अब जीबी मीटिंग में जब अप्रूवल होता है तो मीटिंग के अंदर आज 34 एजेंडा जो रखे, हम मेरा ऑब्जेक्शन क्या है, मेरे वालदा कारपोरेटर वार्ड नंबर 16 श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, जीबी मीटिंग भी हम बॉयकॉट किए हैं। किस वजह की है आप लोगों को, सोशल मीडिया को, तमाम गुलबर्ग के आवाम को मालूम है। वो जीबी मीटिंग बॉयकॉट करके हम लोग आ गए। उसके बाद साथ ही साथ बीजेपी के कई कॉर्पोरेटर्स, मैं सोचता हूँ 20-22 कॉर्पोरेटर्स जो है वो जीबी मीटिंग को एब्सेंट हो चुके हैं। पूरे कॉर्पोरेटर्स, आप पूरे बोले तो मेयर भी बैठे ना, ये मेयर को छोड़ नहीं सर, ये जीबी मीटिंग को क्या बायकॉट किया गया या फिर एजेंडा को लेकर कोई इश्यू है जो जीबी मीटिंग में कई सारे कॉर्पोरेटर एब्सेंट थे? देखो कांग्रेस के पूरे कॉर्पोरेटर प्रेजेंट थे, हाँ, जेडीएस के 2 चेयरमैन प्रेजेंट थे, जेडीएस के 1 कॉर्पोरेटर प्रेजेंट थे, 1 मेरे वालदा जो कॉर्पोरेटर है। हम बॉयकॉट करने का वजह क्या है, हम लोगों को जीबी मीटिंग में बैठना बोल के हमको था। वहाँ पे जाने के बाद में जो कॉर्पोरेशन के स्टाफ जो हमारे वालदा के साथ जो एक कॉर्पोरेटर बोले तो जनप्रतिनिधि रहते, जब वार्ड के आवाम उनको वोट डालने के बाद में भी आज बैठ डालने के बाद आज कॉर्पोरेशन के अंदर मीटिंग में बैठने का ताकत गुलबर्ग के आवाम वार्ड नंबर 16 के हमको दिए हुए। आज हमारे आवाम हमको वोट नहीं डालते तो हम जाके वहाँ पे नहीं बैठ सकते थे। वहाँ जाने के बाद में जो मेरे वालदा के साथ में जो वहाँ पे सामने फ्रंट रो से जो उठा के जो दूसरे तरफ जो पिटाया गया था, वो इशू के बारे में मैं सेम डे मैं रिप्लाई दिया हूँ, कांग्रेस का कारपेट था बोल के मैं बोला आपके बीच। उसके बाद जो है बीजेपी के कारपेटर्स वहाँ पे एब्सेंट हो, तो मैं कई बीजेपी के कॉर्पोरेटरों से मैं बात किया था उस दिन, ये मैं लास्ट वाइट में भी मैं आपको बताया हूँ। वो बीजेपी के कॉर्पोरेटर जो है मेयर वो लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हुए कॉर्पोरेटर्स प्लस डिप्टी मेयर को, डिप्टी मेयर का पावर क्या होता है, मेयर के बाद जो पावर रहेगा डिप्टी मेयर को ही रहता है। आज एक डिप्टी मेयर कैंडिडेट एब्सेंट है बीजेपी के बोले तो, आज बीजेपी के लोकल के लीडर को मैं पूछना चाहता हूँ, दत्तात्रेय पाटिल को पूछना चाहता हूँ, चंदू पाटिल को पूछना चाहता हूँ, जब आप इलेक्शन जब मेयर इलेक्शन जब किए आप लोग कितने हाईलाइट करके आप लोग किए कि ये देश के प्रधानमंत्री जी भी वो मेयर इलेक्शन के लिए चर्चा किए थे हुबली में, शायद मैं देखा सोशल मीडिया में। आज गुलबर्गे के आवाम नॉर्थ ओंदे साउथ ओंदे, आज चंदू पाटिल साहब मार्जिन रोड से हारे, दत्तात्रेय पाटिल साहब भी हारे, ये आवाम जो है आपके कॉर्पोरेटर्स को जो जिता के जो कॉर्पोरेशन में भेजे ना, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आने वाले दिनों में तुम लोग के इलेक्शन करने वाले हैं एमपी इलेक्शन एमएलए इलेक्शन क्या नहीं करने वाले हैं बोल के मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपका एक डिप्टी मेयर आपके जो रूलिंग पार्टी का लीडर कृष्णा नायक और आपके कॉर्पोरेटर्स एब्सेंट रहने के बाद में आपका पार्टी का फर्ज बनता है डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जो है अध्यक्ष का फर्ज बनता है ये लोगों को एक कमिटी बना के मीटिंग बनाना चाहिए, मीटिंग को बुलाना चाहिए बीजेपी के ऑफिस में। कोई कॉर्पोरेटर्स को बीजेपी के कोई लीडर्स बात नहीं किए, कोई कॉर्पोरेटर्स को बुला के मीटिंग नहीं किए, डिप्टी मेयर को बुला के मीटिंग नहीं किए, वजह क्या है भाई आप लोग एब्सेंट होने का बोल के, ये फर्ज जो है लोकल लीडरों का बनता है। आज मैं बायकॉट किया तो मेरे को हमारे पार्टी के लीडर्स बुला के बात किए, हाई कमांड का फोन आया था क्यों बायकॉट किया आप, मैं बताया वजह ये है बोल के। आज बीजेपी के जो कॉर्पोरेटर्स डिप्टी मेयर जो एब्सेंट होने के बाद में ये लोग क्यों इनको बुला के कॉन्फिडेंस में नहीं लेने ये बोल के मैं पूछना चाहता हूँ।
ये साउथ कैंडिडेट को पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ के कैंडिडेट को पूछना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे अध्यक्ष जो है बीजेपी के सीताजी पाटिल साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, आप अध्यक्ष है ना, तो आप क्यों आपके कॉर्पोरेटर्स के साथ में बैठ के मीटिंग नहीं किए बोल के आपको मैं पूछना चाहता हूँ। 34 एजेंडा जो रखा गया है, ये मेयर साहब को और कमिश्नर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ, और इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, प्रियंका खड़गे साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एजेंडा जो 34 जो इनो मीटिंग में जो रखा गया है इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। 34 एजेंडा के ऊपर प्रियंका खड़गे साहब का प्रेजेंट बहुत ज़रूरी है। वो एजेंडे में पिछले कोविड में कितना पैसा खर्च हुआ, 15 फाइनेंस में कितना फंड आया, इसके ऊपर प्रियंका खड़गे साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये एजेंडे के ऊपर एक इंक्वायरी टीम बना के ऑफिशियली एक इंक्वायरी बिठाओ, और कई कॉरपोरेशन में जो पुराने जो बैठे हुए इनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। जो मुना पटेल साहब है, मैं कई दफ़ा बोल रहा हूँ मुना पटेल के खिलाफ, अगर आप लोगों को मुना पटेल के डॉक्यूमेंट्स होना है तो मैं देता हूँ। रिलीज करिए ना, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास है संघ के खिलाफ? वक्त आता बहुत जल्दी, वक्त आता मैं रिलीज करने के लिए टाइम नहीं लगता। मैं रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, ये लोगों का क्या रिएक्शन रहता, क्या तुम लोगों का उनके साथ में कुछ गठबंधन है, तुम लोगों का कुछ परसेंटेज वहाँ पे जुड़ के तुम काम कर रहे हो तो आप लोग चुप बैठना चाहिए। अगर आप लोग वो काम नहीं कर रहे, सोशल मीडिया के अंदर आओ, इंक्वायरी बिठाओ मुना पटेल के ऊपर, थोड़े दिन में मैं देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ के साथ देता हूँ। मुना पटेल कितना कॉरपोरेशन को लुटा है मैं विथ प्रूफ देता हूँ। मैं प्रियंका खड़गे साहब को बोलना चाहता हूँ, आप एक नॉन करप्ट मिनिस्टर है, आप में वो ताकत है, आपके कई कॉरपोरेटर्स और ये कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर्स मिलके बहुत जल्दी से जल्दी आपके नाम के ऊपर इन्हों बदलामी चालू करने का काम करते हैं बोल के मेरे को लग रहा है। आपको आपके कॉरपोरेटर्स काम करे तो आपको वोट मिलता है। 20-22 कॉरपोरेटर अगर नाराज है, वो नाराजगी किस वजह है, वो नाराजगी को दूर करिए, लोगों के सामने इंसाफ लाइए, आवाम के सामने क्यों हमारे कॉरपोरेटर किससे नाराज है बोल के आपको फैसला लेना है। आप हुकूमत में है, एमपी है गुलबर्गे के, वो आप में मीटिंग बुला के आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या लगता था जीबी मीटिंग अगर सक्सेसफुल होती थी तो क्या गुलबर्गा का डेवलपमेंट होता? नहीं होता जी, जीबी मीटिंग सक्सेस हुआ तो भी गुलबर्गे का डेवलपमेंट नहीं होता है, ऑफिसरों का डेवलपमेंट होता है। ऑफिसरों के जोबा बढ़ते, ऑफिसरों के घर बनते, ऑफिसरों के प्रॉपर्टियाँ बढ़ते, जीबी मीटिंग में कोई गुलबर्ग का आवाम का डेवलप होने वाला नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, आज मैं गुलबर्ग के आवाम को बोलना चाहता हूँ, 4 साल हो गए कॉरपोरेशन में एक पैसे का काम गुलबर्ग के अंदर नहीं हुआ है। कई दलाल है वहाँ पर बैठे, जो कॉन्ट्रैक्टर बैठे ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। कई कॉर्पोरेट, कई गुलबर्गे के कॉर्पोरेटर्स क्या है महानगर पालिके में उनका एक कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। परसेंटेज जो चल रहा है 24 घंटा जो भी गुलबर्गा महानगर पालिके के अंदर जो काम होता है वो कॉर्पोरेटर लोगों को टेंडर मिलता है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होना चाहिए। दूसरे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे जाना है, सबको हक है ना। जब एक टेंडर कॉल फॉर्म करते हैं वो टेंडर का जो लेस माइनस जो रहता है, लेस रहने वाले को काम नहीं मिलता, प्लस रहने वाले को काम मिल रहा है कॉरपोरेशन में, ये पूरा सेटिंग है। इसके ऊपर इंचार्ज मिनिस्टर साहब को ध्यान देना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द महानगर पालिके के अंदर आप इंसाफ दिलाना है। प्रियंका खड़गे साहब के ऊपर हमको एक विश्वास है, उनके बारे में एक रेस्पेक्ट है गुलबर्गे के आवाम को, बहुत जल्द से जल्द प्रियंका खड़गे साहब इसको स्टेप आगे बढ़ा के इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाना बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। जब जीबी मीटिंग को लेकर इतना बड़ा इश्यू हो रहा है तो अगर यही आ रहा है तो सर पूरे कॉर्पोरेटर्स मिल के मेयर डिप्टी मेयर के
लिए एक मीटिंग भी डाल सकते हैं, यानी जब जीबी मीटिंग ही एमटी जा रही है तो डेवलपमेंट क्या होगा? देखो आज भी लोग, आप अगर दूसरे एरिया देखेंगे, कई एरिया में कॉर्पोरेटर काम करने तैयार है, बजट नहीं है, देखो आप रोड नहीं बने, सही है, नाले का वही इशू है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं एक जेडीएस का लीडर हूँ, मेरे वालदा जेडीएस के कारपेंटर है, मैं अकेला होते ही मैं प्रेस मीट कर रहा हूँ, आपके बीच में आ रहा हूँ, और मैं किसको डर के सियासत करने वाला नहीं हूँ, सच्चाई के साथ चलूँगा। आज बीजेपी के कारपेंटरों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग क्या है, आगे बढ़ो, हिम्मत से बढ़िए, छोड़ो ये साउथ नॉर्थ के लीडरों को छोड़ दो। सर जब जीबी मीटिंग को लेकर इतना बड़ा इशू हुआ, 34 एजेंडा को लेकर इशू हुआ, तो इस पे एमपी एमएलए का क्या रिस्पांस है? इसके ऊपर कुछ रिएक्शन ही नहीं है। और मैं अलमप्रभु पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ, एमएलसी को बोलना चाहता हूँ, जब बीजेपी के 20-22 कारपोरेटर नहीं आने के वजह आप लोग क्यों नहीं आए बोल के आप पूछ सकते थे अलमप्रभु पाटिल साहब, आप भी जाके जीबी के अंदर बैठे उनके साथ में, क्या है ये, क्या चल रहा समझ में नहीं आ रहा, क्या आवाम के साथ खेल रहे लोग, कौन नान दो मत आन दो सिर्फ हम कर लेंगे बोले तो ये नहीं होता है। कॉर्पोरेशन का बॉडी जीबी टाउन हॉल बोले तो ये विधानसभा रहे जैसा है हमारे लिए, जब विधानसभा में जब बिल पास करते उस टाइम पे अपोजिशन के लीडर को प्रेजेंट में रखते, अगर अपोजिशन लीडर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो वो बिल पास नहीं होता, रोका जाता है। यहाँ गुलबर्गा महानगर पालिका के अंदर क्या हो गया, जब अपोजिशन के कारपोरेटर्स एब्सेंट रहने के बाद में भी ये लोग बैठ के जीबी मीटिंग करते, कहीं ना कहीं घोटाला है। मैं सोचता हूँ ये 5 साल अभी शायद हमको 3-4 साल बचे हमको कारपोरेटर पावर में, ये 3.5-4 साल में भी लोग कुछ काम नहीं करते, गुलबर्गा महानगर पालिका में कुछ डेवलपमेंट नहीं होता, एलएनटी वालों के साथ में सेटिंग, एलईडी लाइट बनाने वालों के साथ में सेटिंग, कचरा उठाने वालों के साथ में सेटिंग, हर चीज़ में सेटिंग करके लोग क्या है अपना घर बना ले रहे। इनके ऊपर अगर गुलबर्गा के इंचार्ज मिनिस्टर और लोकल के लीडर्स अपोजिशन अगर इनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाए, बहुत जल्द से जल्द मैं इनके खिलाफ उतर के बेंगलोर में बैठ के मैं प्रेस मीट करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स करूंगा बोल के मैं आज आपके सोशल मीडिया के जरिए बोलना चाहता हूँ। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स।